नमस्कार दोस्तों, ड्राइविंग हट में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और इस समय हैं हम चितवन पैलेस में सौराहा, और जहाँ से जंगल सफारी की शुरुआत होती है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, बोलते हैं जय भोलेनाथ। तो चितवन सफारी में अगर जाना हो तो यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 बज रहे हैं सुबह के, अब कोहरा काफ़ी है। और सो के उठ गए हैं, नहा चुके हैं, चाय पीते हैं और होटल से निकलते हैं, सौराहा एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद यहाँ से देखिए जा रही है सफारी के लिए गाड़ियाँ। गाड़ी हमारी पार्किंग में खड़ी है। ये हमारा रूम है 226 रूम अच्छा था। और ये पीक सीजन है यहाँ आने के लिए। ये देखिए चितवन नेशनल पार्क के लिए चाय हमारी आ गई है सुबह की, चाय पियेंगे। और ये रूम है हमारा, चाय पी लिए हैं, बैग पैक है। अब यहाँ होटल से निकलते हैं, सौराहा थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद दमन के लिए निकलेंगे। ये होटल की लॉबी है, चलते हैं गाड़ी में सामान रखते हैं। ये गाड़ी है हमारी, सौराहा में ये हमारा होटल है। चेकआउट कर चुके हैं होटल से चितवन पैलेस, और चल रहे हैं बीच की तरफ। बीच पे घूमते हैं और पूरा मार्केट आपको दिखाते हैं। होटल रॉयल सफारी नाम है यहाँ, देखिए चितवन नेशनल पार्क सौराहा। ये चितवन का मार्केट सौराहा में देखिए पहुंचे हैं हाथी चौक। आई लव सौराहा, हाथी चौक है ये। मार्केट में दुकानें भी खुल रही हैं, मॉर्निंग का टाइम है। इस चौक पे देखिए राइनो बना हुआ है। चितवन नेशनल पार्क जो है मेनली राइनो के लिए ही जाना जाता है, गैंडे के लिए। सामने देखिए सौराहा का एंड हो जाएगा, वहीं पे फ्लैग लगा हुआ है। फ्लैग पे ही नदी के किनारे बीच बना हुआ है। जीप सफारी के लिए गाड़ी लगी हुई है। चितवन नेशनल पार्क में सफारी करना हो तो यही जीप में जाते हैं। और यहाँ देखिए बुकिंग काउंटर, हाथी जीप बुकिंग, हाथी पे भी कर सकते हैं सफारी, जीप में भी कर सकते हैं, पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। ये देखिए सब बुकिंग काउंटर्स, फ्री पार्किंग। रात में यही बीच पे गए थे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके। ये राप्ती बीच रेस्टोरेंट है। सफारी करने के लिए ये देखिए जीप तैयार है, लोग निकल रहे हैं सफारी के लिए। चितवन नेशनल पार्क सफारी, देखिए चितवन नेशनल पार्क सौराहा का बोर्ड लगा हुआ है। और ये देखिए नदी, ये कैफे राप्ती रेस्टोरेंट सौराहा। ये देखिए रिवर,
सौराहा नदी के इस पार है, और ये देखिए उधर चितवन नेशनल पार्क, यही है ये जो जंगल है, ये बीच पे रेस्टोरेंट सब, ये झोपड़ी बनी हुई है रेस्टोरेंट के लिए। सफारी के लिए जीप जा रही है। ये यहाँ रिवर साइड बार, ये पूरा बीच और ये जंगल उस पार। ये जो रिवर है इसमें क्रोकोडाइल रहते हैं और नाय से हमको जाना होता है उस पार। रिवर साइड हट बने हुए हैं झोपड़ी के, और ये देखिए ये है नाय, इससे उस पार जाते हैं। उस पार भी जीप खड़ी रहती है और इधर से भी जीप पकड़ के जा सकते हैं जंगल सफारी के लिए। ये जंगल देखिए पूरा। चितवन नेशनल पार्क जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, मेनली ये गैंडे के लिए प्रिजर्व है। राइनोसोरस के लिए मेनली ये जंगल है। उधर जंगल में जीप खड़ी हुई है सफारी कराने के लिए। ये नेशनल फ्लैग यहाँ का, ये देखिए नेपाल का नेशनल फ्लैग। ये सौराहा मार्केट, नदी के किनारे पूरा बना दिया गया है, पहले नहीं बना हुआ था, पहले मैं आया था। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ घूमने आते हैं, भीड़ देख रहे होंगे आप। चितवन नेशनल पार्क सौराहा, और उधर जंगल में आपको नदी के उस पार जीप दिख रही होगी, ये देखिए उधर जीप खड़ी है। अगर आपको जंगल में जाना है, मेन जंगल में, तो यहाँ से नाय से जाएंगे, उधर जीप पकड़ के तब जाएंगे। उसका 1600 रुपया पर व्यक्ति है, और इधर अगर जाना हो जीप सफारी से 2 घंटे का होता है, इधर से ले जाते हैं इधर वाले जंगल में, तो यहाँ पे है 450-850 रुपये 2 घंटे का होता है ये। और यहाँ पे जीप से अंदर जाने के लिए नदी के उस पार यहाँ पे 1 बजे ही ले जाते हैं। भीड़ काफ़ी है आज। रिवर के उस साइड देखिए क्रोकोडाइल दिख रहा है रेत पे, ऐसे ही यहाँ क्रोकोडाइल इस नदी में रहते हैं। अब यहाँ बीच साइड से नीचे मार्केट की तरफ जा रहे हैं सौराहा में। ये देखिए जंगल पब रेस्टोरेंट एंड बार, और ये चितवन नेशनल पार्क सौराहा नेशनल फ्लैग। ये है जीप सफारी, एलिफेंट राइड सब यहाँ से मिलता है। ये सौराहा से जो आप बुकिंग दोनों की एक ही जगह से होती है सफारी के लिए, लेकिन यहाँ वाले जो है वो 850 रुपये में ही जाते हैं। देखिए आ गई गाड़ी सफारी के लिए। सफारी के लिए गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये पूरा मार्केट, ये बीच साइड एरिया है। ये देखिए गाड़ी आ गई सफारी करा के बीच के साइड।
रिवर के इस साइड जो सफारी कराती है गाड़ी वो है ये राप्ती बीच रेस्टोरेंट सराहा मार्केट। जीप सफारी वाली गाड़ियां लग रही हैं सब, मॉर्निंग का टाइम है। ये शॉप यहाँ पे सराहा में मार्केट में पूरी शॉप लगी हुई है, एंटीक पीस कपड़े। यहाँ का कैफे डे सराहा, देखिए एस्प्रेसो अमेरिकानो डोपियो कैफे डी। सफारी के लिए देखिए गाड़ी जाती है रिवर के इस साइड, सफारी करने के लिए सुबह से ही शुरू हो जाता है एकदम। यहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, बहुत लोग सफारी करने जाते हैं। हाथी चौक आ गए फिर से और ये है हाथी चौक। हाथी चौक के पीछे LED लगी हुई है जो चितवन नेशनल पार्क के बारे में दिखाता है। गैंडा दिखा रहा है, देखिए गैंडा उसमें घूम रहा है चितवन नेशनल पार्क में। आई लव सराहा चितवन नेशनल पार्क। ये सराहा का मार्केट पूरा हाथी चौक, आई लव सराहा। ये बीच साइड और ये चितवन से सराहा से निकल जाएंगे, इधर बाहर चले जाएंगे। सराहा में पूरा मार्केट सजा हुआ है, ये देखिए ऊपर झंडा लगा रखे हैं कागज वाले झंडे। ये मार्केट है पूरा। सराहा में चलते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं रेस्टोरेंट में। ये देखिए यहाँ EV खड़ी है, यहाँ बहुत ज़्यादा नेक्सान EV गाड़ियाँ बिकी हुई हैं। रेस्टोरेंट है यहाँ पे, चाय पीते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सराहा से हम निकल लिए हैं बीच घूम के, मार्केट पूरा घूम के। अब यहाँ से जाएंगे, हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है दमन करके एक जगह है, छोटी सी जगह है, और वहाँ आपको दिखाते हैं कैसा है क्या है। पहली बार जा रहे हैं, देखते हैं क्या है। अभी सराहा मार्केट आगे तक रहेगा। चौक है ये, यहाँ से राइट जाना है ना।